ALU के अंदर हरकी देवी जो हॉस्टल बना हुआ है, महिला का हॉस्टल है, इसे एक बार स्थायी जेल बनाने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर जेल बनाई जाएगी। तो वहीं मैं हॉस्टल के बाहर हूँ, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हॉस्टल है, लॉकडाउन के चलते जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर उनके घर भेजा गया है। वहीं प्रशासन की ओर से उनको मैसेज कर दिया गया है कॉलेज की ओर से कि जो गर्ल्स है वो अपना यहाँ से सामान उठा ले। तो कई जो गर्ल्स हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पर आई हुई है, तो चलिए हम उनसे भी जान लेते हैं कि कब उनके पास मैसेज आया और क्या मैसेज आया, क्या कहा गया है, और आखिर ये अचानक से जो बदलाव कहा गया है जेल के लिए, ये किस लिए कहा गया है जबकि जेल है, कैदियों को बाहर निकाल दिया गया है। तो वहीं गर्ल्स हैं मेरे साथ, हम उनसे भी जान लेते हैं कि क्या इन लोगों को मैसेज किया गया। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं। वैसे व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज आया लड़कियों का भी, शायद के जिनों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से शिफ्ट किया जा रहा है, तो हम अपना सामान लेके जा रहे हैं। तो क्या खुश तो शायद नहीं हूँ, लेकिन सरकार का जेल के अंदर बिल्डिंग है उसी को लेकर जेल के लिए कहा गया कि वहाँ जेल बनाई जाएगी। इसी के साथ हमारे साथ हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। जी परवीन जी, जैसे कि जो बिल्डिंग है उस पर कहा जा रहा है कि जेल बनाई जाएगी, जबकि एक तरफ से जो कैदी है उनको बाहर निकाला जा रहा है, फिर भी कहा जा रहा है कि जेल बनाई जाएगी, जेल में जगह कम पड़ रही है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जबकि वो एक शैक्षणिक स्थान है, बच्चों की पढ़ने के लिए वो जगह बनाई गई है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो प्रशासन ने फैसला लिया कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में जो लड़कियों का छात्रावास है उसको हम अस्थायी जेल के रूप में परिवर्तित करेंगे, जैसे ही हमें ये सूचना मिली और वो नोटिफिकेशन मिला, उसके बाद जितने छात्र संगठन थे उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया है फेसबुक के माध्यम से, और हमने ऊपर भी लेटर भेजा है, मुख्यमंत्री को भी और गवर्नर को भी लेटर भेजा है कि हम ये चीज़ कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो छात्रावास है लड़कियों का उसकी एक अपनी निजता है, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों का सामान भी रखा है रूम्स के अंदर, और उनके जो बिस्तर हैं, कपड़े हैं, अगर उसको स्थायी जेल के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो वहाँ पर जो कैदी हैं, हमें क्या पता कि कैदी की मानसिक विचारधारा किस तरह की है और वो वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर रहेंगे या उन कमरों को, उन जगहों को कैसे यूज करेंगे, इसको लेके। दूसरी चीज़, एक शैक्षणिक संस्थान, यूनिवर्सिटी का जो लेवल है वो टॉप मोस्ट शैक्षणिक संस्थान में होता है, वहाँ से बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो प्रोफेसर है, वकील है, वो एक बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ से निकल के आता है। तो हमने इसके लिए कड़ी निंदा की है और अपना विरोध दर्ज करवाया है कि चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लॉकडाउन के दौरान हम करने को तैयार हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर हम किसी भी हाल में गर्ल्स हॉस्टल के अंदर स्थायी जेल नहीं बनने देंगे। उसके बाद प्रशासन ने रातों रात टर्न लिया इस बात से कि हम गर्ल्स हॉस्टल को जेल नहीं बनाएंगे, अब हम जो बॉयज़ हॉस्टल के लिए जो नई बिल्डिंग तैयार की गई है उसको जेल में परिवर्तित करेंगे। और उसके बाद एक लाइन और जोड़ दी उन्होंने, क्या कि नहीं नहीं हम कैदियों को निकाल नहीं रहे हैं, जिस कैदी को कोरोना हो जाएगा उसको हम निकाल के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में भेजेंगे। क्यों? अगर आप कोरोना के मरीज को वहाँ भेजेंगे, क्या वहाँ इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा नहीं है? तो हम है ना प्रशासन से यही कहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के माहौल को ख़राब न किया जाए किसी भी पर्टिकुलर रीजन को लेके, और हम इसके खिलाफ़ हैं। आप कोई भी व्यवस्था करिए, किसी को क्वारंटाइन करना है कोई होटल ले लीजिए, कोई और धार्मिक स्थान है, कोई धर्मशाला है वो ले लीजिए, पर आप विश्वविद्यालय के हॉस्टल को क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो इसको लेके हमने कल भी फेसबुक पर डाली थी, अब हमें लिखित में नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है कि गर्ल्स हॉस्टल को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन एक सूचना आई है कि बॉयज़ हॉस्टल को बना रहे हैं। अब देखते हैं आगे सभी साथियों से मिलके कि आगे उन सब का क्या निर्णय है और इस दिशा में हमें आगे क्या कदम उठाना है। जैसे कि आपने अभी बताया कि गर्ल्स हॉस्टल के लिए कैंसिल कर दिया गया है, बॉयज़ की बिल्डिंग के लिए कहा गया है, अगर सरकार वो है शिक्षण स्थान लेकिन फिर भी बना देती है, तो अगर आप लोगों की नहीं सुनवाई होती तो इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए जी, हमें आंदोलन के लिए जाना पड़ेगा। पहले तो हम प्रशासन से और अथॉरिटी से, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी परमिशन नहीं दी है, लेकिन बाकी अगर सरकार की तरफ से या डीसी साहब की तरफ से कोई ऑर्डर आता है कि भाई हम तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे, तो उसके बाद हमें आंदोलन करना पड़ेगा इस डिसीजन के खिलाफ। और हम सब एकजुट हैं इसमें, कोई भी छात्र या छात्र संगठन अलग नहीं है, हम सब एकजुट हैं, जितनी छात्र संगठन वहाँ काम कर रहे हैं। ये बताया कि अस्थायी रूप से यहाँ है ना जेल बनाई जा रही है, उसके लिए बच्चों का जो सामान है, किताबें हैं, बिस्तर है, सारे थोड़े खाली करना है, और ये पता नहीं कितना दिन चलेगा।
ये जो कोरोना वायरस है इसके चलते हर एक चीज़ परेशानी है जी। और इसमें बच्चे सारे है जो भी कैदी है सारे, और रही बात पढ़ाई की, जो व्हाट्सएप से मैसेज से घर पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जा रही हैं किताबें, व्हाट्सएप के मैसेज जा रहे हैं, बच्चे घर पर बैठ कर मचे वाले बच्चे पढ़ लेते हैं है?